मैं आपको राजेश कुमार। तो क्या कुछ मामला हुआ है, भैंसें चोरी हुई हैं आपके परिवार से, क्या कुछ? रात खेत में से आई थी, तो मैं 1:30 बजे आया रात खेत में से, मैं पढ़ के सो गया। चाचा जी का 3 बजे फ़ोन आया मेरे पास, कह रहे भैंसें चोरी होगी और जल्दी आ बाहर। तो मैं आया, मैंने देखा कि हाँ भैंसें वहाँ से है नहीं थी। तो फिर हम दोनों बाइक लेके यहाँ रई पुरानी आए थाने में, तो वहाँ पे PCR खड़ी थी 112 नंबर। तो उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी मैं दो बहन से चोरी हो गई है, और हमने देख लिया कि रई पुरानी की तरफ ही वो आई है पिकअप। तो वो बोल रहे कोई बात नहीं, हम कार्रवाई करेंगे इस बारे में। तो अभी शिकायत दी गई है, क्या कुछ कहा गया पुलिस की तरफ से? वो वही अभी तो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। विक्रम कौन से गांव से हो? हरिपुर। क्या कुछ हुआ है, आपकी बहन से चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपको जानकारी मिली है इसके बारे में? हाँ, मुझे कल दोपहर का आए थे जी, 2:30 बजे ना 2 बजे के गेट में, 2 बजे गोबटा यानी तो गोबटा का मैं सो गया जी, आँख लगी वो उसके पीछे, 3 बजे गए रामपी मेरी, फिर मैं उठ कर देखा जी मैं सुनी मांग ली है। जो रात बीती है इस रात की बात है? हाँ जी, जो रात। कितनी भैंसें हैं जो चोरी हुई? तो कहाँ से आपकी ये भैंसें चोरी हुई है, कहाँ पर बांध रखी थी आपने? सड़क से पार है जी, घर के सामने आए। तो इसके बारे में किसी को शिकायत वगैरह कुछ दी है? दी है जी पुलिस वाले। क्या कुछ कहना है पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को? मुझे गाड़ी में खाना सब कुछ भी मेरी। अच्छा, कार्रवाई करी जाए। तो लिख के कोई शिकायत दे के आए हो वहाँ पे? हाँ जी, एप्लीकेशन लिख कर आई।